दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और नेटो यूक्रेन में हथियारों की शिपिंग कर रहा है। इसमें जो सबसे खास हथियार है उसका नाम है मैनपैट्स मिसाइल है। बता दें कि आधुनिक समय में कई सारे देश इस हथियार का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इस हथियार का उपयोग 1980 से ही कर रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रूस सबसे ज्यादा मैनपैट्स मिसाइल बेचने वाला देश है, जिसने साल 2010 से 2018 के बीच कतर, इराक, कजाकिस्तान, वेनेजुएला और लीबिया सहित विभिन्न देशों को 10,000 से अधिक मैनपैट्स मिसाइल बेचे हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम मैनपैट्स मिसाइल के बारे में जानते हैं और साथ ही रशिया और भारत के बीच हुए नए समझौते के बारे में भी हम आज की इस खास वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनपैट्स मिसाइल की। बता दें कि ये मिसाइल पोर्टेबल है, जो सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये निर्देशित हथियार हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, खास तौर पर हेलीकॉप्टरों के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये मिसाइलें हवाई हमले से सैनिकों की सुरक्षा करने में मदद करती हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को निशाना बनाने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। वैसे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम भी इसी प्रकार से काम करते हैं, लेकिन इसका उपयोग सैन्य टैंकों को नष्ट करने में किया जाता है। बता दें कि मैनपैट्स की अधिकतम सीमा 8 किलोमीटर है और ये लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल को सैनिक अपने कंधे पर लेकर दुश्मनों पर वार करते हैं और इसका वजन भी बहुत कम होता है। इस मिसाइल को जमीनी वाहन के ऊपर से लॉन्च किया जा सकता है या फिर किसी स्टैंड से, और या हेलीकॉप्टर या नाव से भी इस मिसाइल से धागा जा सकता है। ये मिसाइल अन्य हथियार की तुलना में काफी हल्के होते हैं, जिससे इन्हें सैनिक द्वारा संचालित करना आसान होता है। इस मिसाइल का वजन 10 से 20 किलोग्राम के बीच होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम नजर इस पर डालते हैं कि भारत ने रूस से कौन कौन सी नई मिसाइल लेने की बात की है। बता दें कि भारतीय डिफेंस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूस से आइगले एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया है। भारतीय सेना ने रूस से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के अधिग्रहण के साथ अपनी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है। ये खरीद कर भारत रूस से 120 लॉन्चर और S-400 मिसाइल भी ले रहा है। आइए जानते हैं LGLAS मिसाइल की क्षमता क्या है। दोस्तों, इस मिसाइल से भारत अपने दुश्मनों पाकिस्तान और चीन के होश उड़ा सकता है। इस मिसाइल से पलक झपकते ही हवा में ही दुश्मनों के जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाएंगे। IGLAS मिसाइल की क्षमताओं की बात करें तो ये एक हाथ से पकड़ी जाने वाली रक्षा IGLAS सिस्टम है, जिसे चालक दल या एक व्यक्ति के जरिए ऑनपरेट किया जा सकता है। IGLAS को विशेष रूप से कम ऊंचाई आर उड़ान भरने वाले विमानों को नीचे मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों की पहचान कर और उन्हें बेअसर कर सकने में सक्षम है। एक खबर के अनुसार इस सिस्टम में एक 9M342 मिसाइल, एक 9V8662 मोबाइल परीक्षण स्टेशन, एक 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म और एक 9F7192 टेस्टिंग सेट शामिल है। ये सभी एक व्यापक एयर डिफेंस सॉल्यूशन प्रदान करने की दिशा में काम करते हैं। ये मिसाइल 2266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अधिकतम 11,000 फीट तक जा सकती है। खबर है कि ये मिसाइल भारतीय सेना में शामिल पुरानी IGLA मिसाइल को बदलेगी। पुरानी IGLA मिसाइल 1990 के दशक में सेना में शामिल की गई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच काफी तनाव है और इस तनाव की वजह से 2167 में लंबी सीमा है, जो 80 वर्षों से अधिक समय से दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। साल 1962 में दोनों देशों के बीच इस सीमा को लेकर युद्ध हुआ था और ये युद्ध लगभग आज तक जारी है। भारत में चीन पर सीमावर्ती भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ऐसे में भारत रूस के साथ अच्छे संबंध बनाकर नई नई मिसाइल अपने खेमे में शामिल कर रहा है, ताकि समय आने पर भारत अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। हालांकि भारत के DRDO ने बहुत ही कम बजट में अपना एक लेजर तकनीक भी डेवलप कर लिया है। जी हाँ दोस्तों,
बता दें कि भारत ने अपने लेजर वेपन को जमीनी स्तर पर प्रयोग करने के लिए योग्य बनाया है और इस वेपन का रेंज भी 5 किलोमीटर से लगभग 6 गुना बढ़ाकर 30 किलोमीटर तक का किया जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार इस वेपन की इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इस मिसाइल को इस्तेमाल करने की लागत काफी ज्यादा कम है। ये वेपन पावर सप्लाई से इस्तेमाल किया जाता है, बिजली इसमें लेजर बीम बनाती है। भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों का कहना है कि इस वेपन में अभी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि हीटिंग जैसी समस्याएं। जी हां दोस्तों, दरअसल ये लेजर वेपन काफी तेजी से गर्म हो जाता है, जिस वजह से इसे ऑन परेड करने में काफी दिक्कतें आएंगी और युद्ध के वक्त ये हथियार गर्म ना हो, इसलिए इसके कूलिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है ताकि ये हथियार आसानी से ऑपरेट किया जा सके और अपने टारगेट को नष्ट कर सके। डीआरडीओ बहुत जल्द ही इस हथियार की टेस्टिंग भी करने वाला है, जिसके बाद इसको भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा भी डीआरडीओ अन्य हथियारों पर भी काम कर रहा है, जिसमें काली नामक लेजर वेपन भी शामिल है। ये भी भारत का एक फ्यूचरिस्टिक वेपन है, जो आगे चलकर भारत की काफी ज्यादा मदद करने वाला है। दोस्तों, अब हम वीडियो के अंत में बात करेंगे भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्तों के बारे में। क्या कभी आपने शांत दिमाग से ये सोचा है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा? अगर दो न्यूक्लियर पावर वाले देश एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो फिर क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये दोनों देश आपस में भिड़ते हैं तो जीत किसकी होगी? बता दें कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के एक कोने में बसा हुआ देश है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर कभी भी उत्तर कोरिया किसी देश से जंग करने का ऐलान करता है तो इसे हल्के में नहीं लिया जाता है। अगर नॉर्थ कोरिया भारत से लड़ता है तो जाहिर सी बात है कि दोनों देश अपने अपने समर्थन के लिए किसी दूसरे देश की सहायता जरूर लेंगे। ऐसे में कौन सा ऐसा देश है जो भारत का समर्थन करेगा? तो इस मामले में सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अमेरिका भारत का अच्छा दोस्त है और इस बात पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया का अमेरिका के साथ पहले से ही 36 का आंकड़ा है। ऐसे में अमेरिका अपने मित्र भारत का साथ देकर नॉर्थ कोरिया को पीछे करने में सहायता अवश्य करेगा। अगर नॉर्थ कोरिया और भारत आमने सामने भी आते हैं तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के आसपास वाले देश भी भारत का ही साथ देंगे, जिसमें सबसे पहला नाम जापान का होगा, क्योंकि जापान को नॉर्थ कोरिया का कोई भी लिया हुआ डिसीजन अच्छा नहीं लगता, इसलिए जापान एशिया पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत का ही साथ देगा। और ये भी सच है कि अगर जापान भारत का साथ नहीं देगा तो उसे अच्छी तरह पता है कि नॉर्थ कोरिया भारत के बाद जापान को ही निशाना बनाएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच युद्ध होने के आसार लगभग ना के बराबर है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नॉर्थ कोरिया भारत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए किसी भी देश से सपोर्ट जुटा ही नहीं पाए। और ये बात भी नॉर्थ कोरिया को अच्छी तरह पता है कि अगर उसने भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो भारत की सेना अपने दुश्मनों के साथ क्या क्या कर सकती है। भारत दुनिया का ऐसा देश है जिससे हर कोई हाथ मिलाना चाहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय